नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के डीए 18 महीने एरियर नेशनल इंक्रीमेंट कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली के साथ ही साथ 18 महीने एरियर के साथ पेंशन टैक्स फ्री करने को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी हो गए जारी। कर्मचारी पेंशन धारकों को करनी होगी इनकी पालना, साथ ही साथ पेंशन धारकों की पेंशन जारी रखने के लिए करना होगा 30 नवंबर से पहले ये काम, अन्यथा रुक जाएगी आपकी पेंशन। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों की अन्य मांगों को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नवंबर महीने में बड़ी खुशखबरी, सभी खबरें जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के डीए 18 महीने एरियर नेशनल इंक्रीमेंट कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली के साथ पेंशन में संशोधन को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। पेंशन भोगियों के डीए एरियर नेशनल इंक्रीमेंट कम्यूटेशन रिकवरी बहाली के साथ साथ लाइफ सर्टिफिकेट 18 महीने एरियर को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी, जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना महत्वपूर्ण है। चलिए तो एक एक खबर को विस्तार से जान लेते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का खूब प्रयोग कर रहे पेंशन भोगी, पेंशन को हर महीने प्राप्त करने के लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना जरूरी है। ऐसे में सरकार की तरफ से फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा के साथ लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस काम में केवल 2 मिनट लगते हैं और पेंशन भोगी का काम घर बैठे ही आसानी से हो जाता है, उसको कोई भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में लाखों पेंशन भोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट भरने में काफी मजा आ रहा है, वे आसानी से इसे भर देते हैं। सरकार का कहना है कि 1 नवंबर 2024 से अब तक लगभग 5 लाख पेंशन भोगी ने इसका उपयोग कर लिया है और आगे भी इसमें बढ़ोतरी होने की काफी संभावना बनी हुई है। कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली पर भी आ गई बड़ी अपडेट। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी पर रोक लगाई थी। कोर्ट केस के फैसले के बाद अन्य राज्यों के पेंशन भोगी भी कोर्ट में याचिकाएं लगा चुके हैं। ऐसे में जो पेंशन भोगी कोर्ट का रुख कर रहे हैं तो उनकी कम्यूटेशन की रिकवरी पर स्टे लगा दिया जा रहा है। अगर आपके कम्यूटेशन की रिकवरी को 11 साल 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो आप भी अपनी पेंशन में से कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं की जाएगी। फिलहाल ये मामला अभी तक कोर्ट में है, जब तक ये कोर्ट की तरफ से फाइनल आदेश नहीं आ जाता है तब तक पेंशन की कम्यूटेशन की रिकवरी जारी रहने वाली है। ऐसे में कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन कम्यूटेशन रिकवरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर मांग कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सर्वमान्य आदेश जारी करे जो केंद्र सरकार के पेंशन भोगी और राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों पर समान रूप से लागू हो। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 53% डीए एरियर का भुगतान खातों में जमा होना हो चुका है शुरू। पेंशन भोगियों को 4 महीने का एरियर मिलना शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 अक्टूबर को भारत सरकार की तरफ से इसको देने के आदेश जारी कर दिए गए थे। ऐसे में अक्टूबर महीने की पेंशन के साथ इसका भुगतान नहीं हो पाया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि 4 महीने का जो बकाया एरियर है उसका भुगतान खाते में भुगतान करना शुरू कर दिया गया है और केंद्र सरकार के पेंशन भोगी व कर्मचारियों के खाते में एरियर की राशि जमा होना शुरू हो चुकी है। ऐसे में पेंशन भोगियों का कहना है कि इसका भुगतान दिवाली से पहले होता तो दिवाली अच्छे से मनाई जाती, इसको देने में देरी की गई है, इसका भुगतान हमें ब्याज के साथ किया जाए। हालांकि जो अभी भुगतान प्राप्त हो रहा है वो बिना ब्याज के ही प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में पेंशन धारकों ने मांग उठाई है कि ब्याज के साथ हमें पूरे बकाए का भुगतान किया जाए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। नेशनल इंक्रीमेंट पर बड़ी अपडेट। जो कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आदेश में एक खामी है कि इसका फायदा केवल 30 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों को दिया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन डाली गई थी जिसकी सुनवाई 4 नवंबर को थी, लेकिन अब इस मैटर पर क्या हुआ इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। ऑनरी नायब सूबेदार को मिलेगी रेगुलर सूबेदार की पेंशन। जिन पूर्व सैनिकों को ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक प्रदान की गई थी अब उनको रेगुलर सूबेदार की पेंशन दी जाएगी। अभी तक उनको ऑनरी की पेंशन दी जा रही थी, लेकिन अब एक बड़े फैसले के बाद उन्हें भी रेगुलर सूबेदार की पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही जिनको ORP 3 का एरियर नहीं मिला है तो नोडल अधिकारी ने बताया कि इसका भुगतान 15 नवंबर तक सभी को कर दिया जाएगा।
चलिए दोस्तों अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। 18 महीने के एरियर पर भी आ गई है बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट। इन दिनों मीडिया में 18 महीने एरियर पर जो खबर आ रही है कि इसका भुगतान किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इसको देने को लेकर कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में केवल मीडिया में जो ये खबर है, जमीन पर इस खबर में कोई भी वास्तविकता नहीं है। ऐसे में पेंशन भोगी संगठनों की मांग है कि इसका भुगतान पेंशन भोगियों को किया जाए। अगर पेंशन भोगियों को इसका भुगतान नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे। दोस्तों आपको बताते चले कि एक बार पूरा मामला अगर सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है 18वां एरियर की मांग को लेकर, तो ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स के हक में फैसला आने की पूरी संभावना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सालों पहले एक अपना आदेश जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में कटौती नहीं कर सकती है संस्थान, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन आते हो कर्मचारी पेंशन भोगी या फिर वो राज्य सरकार के अधीन आते हो कर्मचारी पेंशन भोगी। लेकिन सरकारें किसी भी तरह की पेंशन और सैलरी में से कटौती नहीं कर सकती है। यदि सरकारें किसी कारणवश ऐसा करती पाई जाती है तो बाद में ब्याज समेत उसे पूरे बकाए का भुगतान करना होता है। ऐसे में 18 महीने एरियर भी सैलरी पेंशन का ही एक भाग है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस पूर्व आदेश का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाएगी कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के 18वां एरियर भुगतान के आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। एक बार आदेश जारी होने के बाद मजबूरन केंद्र सरकार को कर्मचारी पेंशनर्स के 18वां एरियर भुगतान को करना ही होगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस महीने केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आएगा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज से कुछ दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को जीसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा केंद्र सरकार के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से इस मीटिंग में मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार अब इसमें ज्यादा डिले ना करे और जल्द से जल्द 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद यदि सहमति बनती है केंद्र सरकार और जीसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मध्य में, तो ऐसे में केंद्र सरकार अब बिना देर किए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कमेटी गठित करते हुए आपको नवंबर के महीने में ही दिखाई दे जाएगी। और एक बार केंद्रीय कमेटी का गठन होता है तो ऐसे में केंद्रीय कमेटी के पास पर्याप्त समय है। अभी 14 महीने का समय शेष है जब 8वें वेतन आयोग को नियमों के हिसाब से प्रभावी हो जाना चाहिए। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्रीय कमेटी जो बनेगी वो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार कर केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी और केंद्र सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए बड़ा ऐलान करेगी। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलने लगेगा। मीडिया खबरों में निकलकर सामने आई खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 1.92% पर बहाल किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों इन दिनों नवंबर का महीना जारी है, सभी पेंशन धारक अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने में काफी बिजी है। इस वक्त केरल हाई कोर्ट का एक फैसला पेंशन भोगियों के लिए काफी वरदान साबित होने वाला है। केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आपको पेंशन भोगी की पेंशन को नहीं रोकना है लाइफ सर्टिफिकेट ना भरने के चलते। कई बार पेंशन भोगी किसी कारणवश अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भर पाता है, ऐसे में विभाग द्वारा उसकी पेंशन को रोक लिया जाता है। ऐसे समय में केरल हाई कोर्ट का ये फैसला इन पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो पेंशन धारक नवंबर 30 से पहले अपने लाइफ सर्टिफिकेट को नहीं भर पाएंगे तो उनकी पेंशन को भविष्य में नहीं रोका जाएगा। तो ऐसे में केरल हाई कोर्ट का ये फैसला पेंशन धारकों के हक में निकलकर सामने आया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।